मसाला हमारा जो है वो भुन चुके हैं, इसमें शामिल करते हैं साग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे और खैर खरे से होंगे, और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। आज की जो मेरी रेसिपी है, मैं बनाने लगी हूँ तांदले का साग और पालक। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको तांदला। ये देखें इस तरीके का होता है ये तांदला। ये ज़्यादातर लोग गांव में बनाते हैं। तो इसको काट लेते हैं पहले। तो मैं ना आज सहन में इसको जो है बना रही हूँ। मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है, पिशावर में ना हल्की सी बारिश हुई है, तो मैंने कहा बाहर बैठ के तो जो है इसको काटती हूँ। तो साग जो है हमारा कट चुका है, इसको भी अच्छे तरीके से धो लेते हैं। साग को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, इसके अंदर शामिल करते हैं पानी। ठीक है, इसको रखते हैं चूल्हे पर और एक बॉयल आने पर इसका पानी जो है हम निकाल देंगे। वो इसलिए कि पानी अगर इसके अंदर रह जाएगा तो ये जो साग है ये कसैला बनेगा ना, तो पानी इसका हम निकाल देंगे एक बॉयल आने पर। तो फिर साग जो है बहुत मज़े का बनेगा। साग को जो है हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है, अभी इसमें जैसे ही एक बॉयल आएगा तो फिर पानी इसका जो है वो निकाल देंगे। आप लोग जो है ना फुल वीडियो देखा करें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मैं मज़ीद वीडियो बना सकूँ। आप लोगों की तरफ से जो है ना, ये आप जब लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे ना आपकी तरफ से ये प्यार होता है और मुझे जो है वो सपोर्ट मिल जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए यार सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़, और लाइक भी कर दिया करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। साग में बॉयल आ चुका है, इसका पानी जो है हम छान लेते हैं। साग का पानी जो है हमने छान लिया है, अभी इसमें दोबारा पानी शामिल करेंगे और एक चम्मच जो है वो नमक का शामिल करते हैं। इसको भी पकने देते हैं अच्छे तरीके से। साग के अंदर जो है पानी ड्राई हो चुका है, इसको उतारते हैं नीचे। अभी इसको लगाते हैं घोटा। साग हमारा जो है वो घुट चुका है, अभी इसको तड़का लगाते हैं। अभी हम जो है एक कढ़ाई लेंगे, इसमें शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल डालडा, डालडा का कुकिंग ऑयल। ठीक है, बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करते हैं। एक अदद मैंने दरमियाने साइज का जो है प्याज लिया है, इसको भी रखते हैं चूल्हे पर। प्याज हमारे जो है ब्राउन हो चुके हैं हल्के, इसमें शामिल करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें शामिल करते हैं कूटी हुई सब्ज मिर्चें। पहले जाएगा हाफ चम्मच हल्दी का, हाफ चम्मच सुर्ख मिर्चों का, और इसमें शामिल करते हैं हम रायदाना ये वाला। मसाला हमारा जो है वो भुन चुके हैं, इसमें शामिल करते हैं साग। साग हमारा जो है भुन चुके हैं अच्छे तरीके से, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं।
क्योंकि ये ज्यादा थिक था इसलिए मैंने पानी शामिल किया इसमें। तो साग हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, बहुत ही मजे का लग रहा है, खुशबू भी बहुत मजे की आ रही है। थोड़ी सी ऊपर सब्ज मिर्च डाल देंगे, चले जी साग हमारा रेडी हो चुका है, चूल्हे को करते हैं बंद। तो चेक करते हैं कैसा बना है। इतना मजे का बना है गाइस। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।